हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। लेट मी चेक कि आवाज़ आप लोगों को सही आ रहा है कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ओके, सो आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल सही आ रहा है। सो वील बी वेटिंग फॉर 5-6 मिनट्स कि और लोग ज्वाइन हो जाएं। उसके बाद एज़ यू ऑल नो कि हमने ऑलरेडी 2 पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं। सो बाय द टाइम यू पीपल गो थ्रू दोज प्रेजेंटेशंस, दोज वीडियोस, मैंने सोचा कि आपका एक बहुत टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, नंबर सिस्टम, वो डिस्कस कर दूं साइड बाय साइड ये इंटरनेट से दिखा के आपको, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज, आप सब एक कॉपी और पेन साथ में उठा लो। गुड आफ्टरनून प्रीत, एक कॉपी और पेन उठा लो आप सब, राइट, ताकि जो भी हम करें आप साथ साथ में सॉल्व कर लो और हम टैली कर पाए कि हमारे आंसर्स मीट हो रहे हैं, मतलब मैच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो जस्ट दीक्षा, सोनिया, सतेंद्र, रवनीत, वेलकम वेलकम, सबको वेलकम है। आप प्लीज़ एक कॉपी और पेन उठा लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। अमन गुड आफ्टरनून, अंकिता गुड आफ्टरनून, इंदर जल्दी जब जल्दी ले आओ पेन तो एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। आप साथ साथ नोट करते जाओ चीजें। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि जो आप लोगों के दिमाग में डाउट था कि शायद हमारे एग्जाम्स पक्का ही कैंसिल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे आज भी इंस्ट्रक्शंस मैंने देखी हैं यूजीसी की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर जुलाई में सब कुछ ठीक हुआ तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं। सो वी बेटर बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। फाइनल ईयर के तो होने ही हैं एग्ज़ाम्स, राइट, तो आप लोगों के भी हो सकते हैं। रमन, सिंदर, वेलकम एवरीबॉडी, ठीक है। तो एक कॉपी पेन ले आओ एंड सो दैट आई कैन स्टार्ट डिस्कसिंग नंबर सिस्टम। ओके, होपफुली आप लोग ले आए होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। माय कैमरा इज नॉट वर्किंग, इसलिए मैं आपको वेबसाइट पे ही दिखाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट यू साइड बाय साइड। ये एक वेबसाइट है जो मैंने पहले भी आप मेरे कई लेक्चर्स में बताया है, tutorials.point, राइट। इस पे आपको कई चीज़ों के अच्छे शॉर्ट से नोट्स मिल जाते हैं। तो वी विल स्टार्ट आर डिस्कशन विद दिस वेबसाइट, ठीक है। गुड आफ्टरनून जसप्रीत, गुड आफ्टरनून आंचल। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम का, राइट। तो स्टार्टिंग विद द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बेसिकली नॉर्मल हम जो नंबर सिस्टम करते हैं, एक ही नंबर सिस्टम करते हैं जो मैथमेटिक्स में है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी आपके डिजिट्स हैं वो 0 और 9 के बीच में लाया करती हैं, राइट, ठीक है, 0 से 9 के बीच में लाया करती हैं। और लेकिन कंप्यूटर्स में हमारे पास 3 और नंबर सिस्टम्स हैं। फर्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल,
जिसको कहीं पे भी कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, आई विल क्लियर योर डाउट साइड बाय साइड, ठीक है। तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं, यू नीड टू टेक केयर। जो बाइनरी होते हैं राइट, उसमें हम किसी भी नंबर को जब नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो उसके बेस में डिफाइन करेंगे कि वो नंबर कौन सा है। जैसे ये वाला जो नंबर है इसके बेस में 10 लिखा हुआ है, सो दिस इज अ डेसिमल नंबर, एंड इसके बेस में 2 लिखा हुआ है, सो दिस इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टल नंबर है, और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है तो हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल के बेस में 16 आएगा, ऑक्टल के बेस में 8 आएगा, बाइनरी के बेस में 2 आएगा, एंड डेसिमल के बेस में 10 आएगा, ठीक है। दिस इज द ओनली वे विद विच वी कैन डिफ्रेंशिएट कि हमारा नंबर सिस्टम कौन सा है, क्योंकि ये अगर अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो दिस नंबर कैन बी अ डेसिमल नंबर, कैन बी अ हेक्साडेसिमल नंबर, कैन बी एन ऑक्टल, और कैन मतलब कोई भी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ये साइड पे 2 लिखते हैं बेस में, देन वी गेट टू नो दैट इट इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है। आई होप तीनों नंबर्स क्लियर हो गए होंगे, तो मैं आगे मूव करता हूँ थोड़ा थोड़ा। सो कमिंग टू द बाइनरी नंबर, सबसे पहले बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हो सकती हैं, हर डिजिट की 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं राइट, या 0 या 1, ठीक है ना। जैसे ये बाइनरी नंबर है, इसमें सारी डिजिट्स 0101 की फॉर्म में है, कोई भी डिजिट 1 से बड़ी नहीं होगी, कोई भी डिजिट 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो 0 और 1 के बीच में ही सारी डिजिट्स इसकी लाए करती हैं। बेस इसका 2 होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है जस्ट नोट इट डाउन, मैं समझाऊंगा व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन। ईच पोजीशन इन बाइनरी रिप्रेजेंट्स अ पावर, रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ बेस 2, ठीक है ना। तो हर जो डिजिट है वो 2 की कोई ना कोई पावर रिप्रेजेंट करती है राइट, जैसे कि वो आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी के लिए यू जस्ट नोट डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट इज, अब जैसे डेसिमल नंबर है उसको हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर है डेसिमल नंबर, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 into 1000, 2 into 100, 3 into 10 एंड 4 into 1, ठीक है। ये वंस प्लेस होगी, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स के लिए। अब क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें भी हर, इसमें हर चीज़ क्या होती है, 10 की पावर। तो ये होता है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज 10 to the power 0 यानी कि 1, दिस इज 10 to the power 1 टेंथ प्लेस पे, फिर 10 to the power 2 एंड 10 to the power 3। मतलब डेसिमल नंबर में क्या क्या हो रहा है, हर चीज के लिए 10 जो इसका बेस है डेसिमल नंबर का, बेस के अकॉर्डिंग पावर की वैल्यू आ रही है। 4 में 10 की पावर 0 है, 3 में 10 की पावर 1, 2 में 10 की पावर 2 एंड 3 में 10 की पावर 3, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। जहां भी कुछ प्रॉब्लम आए मेरे को बता देना, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन टू यू पीपल। रुको मुझे ये विंडो थोड़ी छोटी कर लेने दो, हाँ ओके। सो राइट, ये तो हो गया डेसिमल नंबर। अब बाइनरी में हमने क्या किया, बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होंगी, 0 एंड 1, और उसका बेस 2 होगा जैसे हमने किया। डेसिमल में जैसे हर डिजिट को 10 के पावर से मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ही इसमें बाइनरी में हर डिजिट 2 की पावर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। एंड पहली जो डिजिट है, हर हर नंबर सिस्टम में जो पॉइंट्स के बाद, पॉइंट के बाद पहली डिजिट होती है, उसको हम 2 to the power 0 लेते हैं। ये 2 to the power 1, ये 2 to the power 2, ये 2 to the power 3 एंड ये 2 to the power 4, ये कहाँ पे आगे यूज़ होगा, मैं या ये एक्सप्लेन यहाँ पे बनाया भी हुआ है इन्होंने, ये कन्वर्ट किया हुआ है, बट डोंट गो इनटू दिस अभी, क्योंकि ये हम बाद में करेंगे कन्वर्जन, अभी यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर जो है इसमें कोई भी डिजिट
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक कोई भी वैल्यू ले सकती है, 7 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी डिजिट की, राइट। तो उसमें क्या हुआ, पहले वाले में बाइनरी नंबर था तो उसकी जो डिजिट्स हैं सारी 2 से छोटी होंगी, ऑक्टल नंबर है तो उसकी सारी डिजिट्स 7 से छोटी होंगी क्योंकि उसका बेस 8 है, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें यही हैं, वो पहले वाले डेसिमल में 2, 10 की पावर्स होती हैं, बाइनरी में 8 की पावर्स होती हैं एंड बाइनरी में सॉरी 2 की पावर्स होती हैं एंड ऑक्टल में 8 की पावर्स होती हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल मतलब 16, जिसकी बेस की पावर कितनी हो 16। तो इसके सारे नंबर्स जो होंगे 0 से लेके 15 तक लाए करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, ये सारे क्या हैं, 2-डिजिट नंबर हैं, ठीक है। 2-डिजिट नंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, 11 बाय बी, 12 बाय सी, 13 बाय डी, 14 बाय ई एंड 15 बाय एफ, ए बी सी डी ई एफ। 10 से लेके 15 तक सारे नंबर्स ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें 0 से लेके 15 तक सारी डिजिट्स होती हैं, पहली 0 से लेके 9 तक एज इट इज नंबर चलते हैं, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ वैल्यूज दी जाती हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। बाकी जैसे डेसिमल में 2 की पावर थी, 10 की पावर थी, बाइनरी में 2 की, ऑक्टल में 8 की, इसमें 16 की पावर्स होती हैं। इतना क्लियर है, अगर हाँ तो आगे चलें। इज दिस मच क्लियर, प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो, ये तो है बेसिक डेफिनेशन, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है कन्वर्जन्स, एक नंबर से दूसरे नंबर में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, ठीक है। ओके ओके प्रीत, ओके सुरेंद्र, जसप्रीत, ओके रमन, ठीक है, समझ आ गया आपको, वेरी गुड। नाउ वी विल डू, फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर, कि आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक हमने सिर्फ डेसिमल नंबर ही किए हैं, बाकी नंबर्स किए नहीं। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला है ये, वी विल टेक दिस एग्जांपल कि हम नंबर है 25, हम 25 जो डेसिमल नंबर है इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ऐसे जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे वाला एक टेबल सा बना लेंगे, एंड दिस साइड सिंस वी आर कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ इफ वी डिवाइड 25 बाय 2, ठीक है, पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। 25, 12 टूज आर 25 और 1 रिमाइंडर यहाँ पे, देन अगेन वी विल डिवाइड 12 बाय 2, 12 को फिर से 2 से डिवाइड किया, साइड बाय साइड कर लो प्लीज अपनी कॉपी में, क्योंकि इसके बाद मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या हुआ, 12 2 से डिविजिबल है, 12 इज डिविजिबल बाय 2, सो यहाँ पे आ गया 6 टूज आर 12, रिमाइंडर है 0, ठीक है। एंड देन अगेन फिर हम 2 से, ऐसे 2 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इस साइड हमारे पास जो नंबर है 2 से छोटा नहीं आ जाता, ठीक है। सो अब 6 को 2 से फिर से डिवाइड होता है तो 3 टूज आर 6 एंड रिमाइंडर इज अगेन 0, देन
अगेन वी विल राइट 2 1s are 2 एंड नाउ वी गेट अ रिमाइंडर, वी राइट ओवर हेयर 1. ठीक है, क्लियर? वो थोड़ा सा ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है जो लास्ट वाला इस डायग्राम में हुआ हुआ है. वी विल जस्ट बी डूइंग इट टिल हेयर, जहां पे नीचे 2 से छोटा नंबर आ गया, ये एक जैसे इस एग्जाम्पल में है. ठीक है, अब तक आपको ऐसे कुछ नंबर आ गया होगा, तो वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, इस साइड से 10001. ये मतलब ये तो 17 का है, आपका जो भी आंसर आया है दैट विल बी रिटन इन दिस फॉर्म. ठीक है, आप एक बार 17 को करके देखो तो अगेन फिर से समझ आ जाएगा. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हुई हो तो यू कैन सी. उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे रिमाइंडर जो है हम एक ब्लॉक नीचे लिख रहे थे, इसमें एक ब्लॉक ऊपर लिख रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. बस अगर नीचे एक ब्लॉक एक नीचे लिख रहे हो तो आपका रिमाइंडर ये वाला यहाँ तक आएगा और ऊपर कोई रिमाइंडर नहीं होगा. लेकिन अगर इस तरह भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो ओके. तो इसमें देखो, अगर अपने 17 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 17 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 17 को 2 से पहले डिवाइड किया, 8, 2s are 16, 1 रिमाइंडर यहाँ पे, फिर 8 क्योंकि अभी 2 से बड़ा है, 4, 2s are 8, रिमाइंडर 0 यहाँ पे, देन 2, 2s are 4, रिमाइंडर 0 यहाँ पे, देन 2, 1s are 2 एंड रिमाइंडर 0 यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद इस साइड से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे 10001, 10001, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो आपने पहले 25 वाला किया था उसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन जो 25 वाला था, इसका बाइनरी नंबर क्या है, कौन बताएगा? सॉल्व कर लिया? हाँ जी बताइए, 25 वाले का आंसर क्या है? वन जीरो 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 वन, वेट लेट मी चेक. ट्वेंटी फाइव वाले का है 1101. ठीक है, तो ये गलत है हरजोत, ये 3 1 नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे. एंड आपने बेटे ये 11 आपने हमने ऊपर से नहीं नीचे वाली साइड से लिखना स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से 1 1 0 0 1. ठीक है ना, ये लास्ट वाला कॉलम इतना छोड़ दो आप, 1 1 0 0 1 ये आपका नंबर आएगा. मतलब आप नीचे से, दिस इज द सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे राइट में जो आएगी, एंड ये जो सबसे लेफ्ट में आएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ, ये 1001 नहीं आएगा, उल्टा आएगा. जो हमने इस साइड से नहीं लिखना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, नीचे से स्टार्ट करेंगे. जसप्रीत आपका आंसर, मेरा आंसर, ओके, जसप्रीत का आंसर ठीक है. ठीक है, आंसर सबका ठीक है, प्रीत का भी ठीक है. बस आपने क्या किया, आपने ऊपर से लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमने नीचे से लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हम अब एक और क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन इज, लेट मी ओपन नोटपैड, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ. ठीक है, वर्ड वीडियोस बना बना के ना सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, एक बार इसको क्लियर करना पड़ेगा. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल विल डू इज, थर्टी
39 नंबर है। नॉर्मली हाउ वी राइट इट, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन मीन्स कि 39 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसको आपने एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो एवरीबडी सॉल्व इट इन योर कॉपीज, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट इन माई कॉपी एंड देन वी विल टैली द आंसर, ठीक है। जब आंसर आ जाए तो लेट मी नो वॉट द आंसर इज, ठीक है। हाँ जी, 39 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, राइट, डू इट। यस हरजोत, आपका आंसर सही है। एवरीबडी प्लीज मेक श्योर आपका यही आंसर हो, ठीक है। मैं अभी मैंने सॉल्व किया, मैं इसकी पिक्चर अभी देखता हूँ इफ आई कैन। नो प्रीत, आंसर इज रॉन्ग, वेट लेट मी शो यू, मैं इसकी पिक्चर लेके दिखाता हूँ आपको। बाय द टाइम मैं एक बार इसकी आपको इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करो सो दैट मैं दोनों साथ बाय साथ साथ के साथ डिस्कस कर लूँ। नाउ यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन, नाउ यू हैव टू डू इज 127। एक डेसिमल नंबर है आपका, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो, इतनी देर मैं देखता हूँ इफ आई कैन कनेक्ट माय मोबाइल, ताकि मैंने जो पेज पे आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, होपफुली हो जाएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, इतनी देर आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन, राइट, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। यस प्रीत, सबका आंसर बिल्कुल सही है, 100111 इज द आंसर फॉर 39, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लेट मी कनेक्ट इट सेकेंड। Let me connect my mobile camera to screen for me. Right? It's coming up, just a second. Okay, one minute.
लेट मी मैक्सिमाइज इट, मुझे ये विंडो थोड़ी बड़ी कर लेने दो। हाँ, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। राइट, आई होप सबका यही सबने इसी तरह से किया होगा। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट। ये 39 को 2 से डिवाइड किया, 19 टू जर 38 होते हैं वन रिमाइंडर, फिर 9 टू जर 18 फिर से वन रिमाइंडर, फिर 4 टू जर 8 फिर से वन रिमाइंडर, 2 टू जर 4 जीरो रिमाइंडर, 2 वन जर 2 रिमाइंडर 0। और यहाँ पे नंबर जो है आपका 2 से छोटा आ गया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। और फिर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड वी विल गो अप लाइक दिस, तो आंसर आ जाएगा 100111, 100111। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया सबको। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको, वीडियो दिख गई बेटे। ओके, नहीं कर पाए कि हमारे आंसर। ठीक है, चलो, सो दिस वाज द क्वेश्चन, पहले वाला। सेकंड का आंसर क्या आया है जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था? That was just a second. तो सेकंड हमारा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 127 को अब हम करेंगे। लेट मी टेक आउट वन मोर पेज, उसके ऊपर करता हूँ। Everybody solve it along with me, or then we will tally our answers. ठीक है, so question is 127. First we will, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप करते जाओ, then I will show you again also. पहले 127 को 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं होगा, 126 यानी कि 68 आई सपोज एंड 1 इज रिमाइंडर। ठीक है, एंड देन नो 64 एंड 1 इज रिमाइंडर, देन अगेन विद 2 32 एंड 0 इज रिमाइंडर, देन 2 16 एंड 0 इज रिमाइंडर, देन अगेन 2 8 एंड 0 इज रिमाइंडर, 2 एंड अगेन 4 and 0 is remainder, 2 and 0 is remainder, and again 2 and 0 is remainder. So answer would be 1. हाँ जी, सो व्हाट इज द आंसर? कौशल ही गलत है बेटे, कि मैंने गलत कर दिया? ओ हाँ, सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग। कौशल ठीक है, ठीक है बेटे, वन सेकेंड। ठीक है, ठीक है, या एवरीबडी इज करेक्ट। टोटल कितने डिजिट्स हैं? कौशल ठीक था बेटे आंसर आपका। हरजोत जीरो कैसे आ गया? हरजोत जीरो नहीं आएगा,
सेवन टाइम्स वन आएगा, ठीक है। एंड व्हेन वी राइट द आंसर, तो आंसर लिखना कैसे है, आंसर भी इसी तरह ही लिखना है, मतलब सीधा वो नहीं लिख देना, यहाँ पे लिखो वन 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 वन, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, सेवन टाइम्स आपका वन आया है आंसर में। एनी डाउट इन दिस? या जसप्रीत, आई मतलब मुझे पता चल गया था, मैंने वो गलत लिख दिया था, 63 की जगह 64 कर दिया था। यस इट इज 63, और वो सारी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गई थी। ठीक है, सो बिल्कुल सही है, 63 से आना था। एंड आई जस्ट शो यू, एक मिनट। सो लेट मी अगेन कनेक्ट माई मोबाइल एंड आई विल शो यू। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, 127, फिर 63, वन रिमाइंडर 31, वन रिमाइंडर 15, वन रिमाइंडर 7, वन रिमाइंडर 3, वन रिमाइंडर एंड वन एंड में रिमाइंडर, तो आ गया आंसर वन 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 एंड टू इज योर बेस। ठीक है, सो इस तरह के आप दो तीन क्वेश्चंस और ट्राई कर लेना, राइट। एंड आगे चलते हैं हम। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अब ये तो था आपका बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नो डाउट अभी दूसरा है, उल्टा भी है इसका, कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, लेकिन हम अभी इसके सिमिलर जो मेथड है पहले वो करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, इसी तरह से हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज, जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वी विल डिवाइडेड बाय 8 टू की जगह, जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, वी विल डिवाइडेड बाय 16। तो आप एक क्वेश्चन करके देखो एंड वी विल सी कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो 127 जो आपका नंबर था, उसको हम पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन इज, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू ऑक्टल नंबर, इसको ऑक्टल में भी कन्वर्ट करो एंड अगेन इसको हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करो एंड लेट मी नो द आंसर्स। ठीक है, समझ आ गया। अब इस नंबर को पहले हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम इसी नंबर को 8 से करेंगे एंड हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से करेंगे। ठीक है, तो जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो कि आपका क्या आंसर आ रहा है।
हाँ जी, क्या आंसर आया ऑक्टल का? जल्दी बताओ, छोटी सी कैलकुलेशन है, हरी अप। हाँ जी, आपका आंसर आना चाहिए 177। या कौशल, बिल्कुल सही है बेटे, 177 आपका आंसर आएगा ऑक्टल के लिए, राइट? या बिल्कुल हरजोत, बस याद रखना है जब एग्जाम्स में लिखना है तो इसके आसपास ब्रैकेट डाल के 10 बेस लिखना है, और इसके आसपास, ओ 777 नहीं, 177 है। हाँ, इसके आसपास भी ब्रैकेट डाल के नीचे बेस जो है आपका, दैट वुड बी 8, ठीक है? यस, चाहत, रमन एंड प्रीत सब ठीक है, अमेजिंग। ये बेटे आपका गलत है, आप चेक करो, 163 नहीं, 177 आएगा। वन सेवन सेवन ही आना चाहिए आई सपोज। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लो, अगर आप लोगों का भी मैच हो रहा है, ठीक है ना? इफ आई इफ वी आर इफ देर इजंट एनी प्रॉब्लम, तो वन सेवन सेवन ही आ रहा है ना? ओके, हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्ट करो जल्दी से। हाँ जी, हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्ट करके बताओ। ओके, ठीक है, तो चलो, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आपके लिए होमवर्क है जो हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज 555। एंड ये दो नंबर्स हैं, इनको आपने बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और मतलब हर नंबर में कन्वर्ट करना है इसको। दोनों को, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। F7, लेट मी चेक, एक मिनट, कितने पे डिवाइड होता है 127 16 से? हाँ यस, आंसर इज 7 एंड F। या प्रीत, 7 एंड F, क्योंकि जब हम 16 से 127 को डिवाइड करते हैं, व्हाट वी गेट इज वो 16 7s are 112, ओके, एंड 15 इज द रिमाइंडर। तो 15 रिमाइंडर के लिए F लिखेंगे, एंड 7 जो नीचे बचा ही है, 7 इज स्मॉलर देन 16, तो आगे डिवीजन नहीं होगी। सो 7F इज द आंसर फॉर द हेक्साडेसिमल वन, ठीक है? सो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है? आई थिंक 30 मिनट से ज़्यादा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग ओवर, ठीक है ना? तो 40 मिनट्स हो गए आज की क्लास के, आज के लिए इतना ही बहुत है। टुमारो वी विल बी डूइंग इज
हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर, एंड वी विल आल्सो बी डूइंग इज कि शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा एंड कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। या हाँ जी, 7F है, 715 नहीं लिखना, क्योंकि 715 विल बिकम डिफरेंट नंबर, 15 की जगह F लिखना है, तो 7F आएगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, 7F, ब्रैकेट ला।